सर्विस की है और आज यहाँ पर अथर्व फाउंडेशन ने जो कारगिल डे और विजय दिवस मनाया है हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, कि यहाँ के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने सब ये ऑर्गेनाइज़ किया है, ये देखकर हमारा हृदय एकदम फूला समा रहा है और मैं चाहता हूँ कि ये फंक्शन हर साल हो ताकि हमारे देश के जितने भी सिपाही हैं, चेसियोज हैं, ऑफिसर्स हैं, उनकी हौसला अफजाई हो और देश में वो अपना कार्य और धैर्य से और तरक्की कर से करें। धन्यवाद। मैं ब्रिगेडियर वसंत पाटिल, मैं आर्मी में 33 इयर्स सर्विस करके रिटायर हुआ हूँ। आज जो अथर्व फाउंडेशन ने जो हीरोज थे हमारे कारगिल ऑपरेशंस के, उनके लिए जो श्रद्धांजलि दी और उनका जो काम किया हुआ जो पर्सनालिटी थी या उनकी लीडरशिप थी, वो सब अपने जो स्टूडेंट्स के सामने लाके उनको एक्सपोज किया, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। ऐसे कार्य अथर्व फाउंडेशन करते जाए ताकि हमारे जो यूथ है वो इंस्पायर हो जाए अपनी कंट्री की सेफ्टी सुरक्षा के लिए। मैं चाहता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम और होते जाएं और अपना यूथ हमेशा अपनी कंट्री की हिफाजत के लिए प्रयत्न करें। मैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू देम। थैंक यू वेरी मच। मैं मेजर अशोक पॉल हूँ। मैं सिर्फ नहीं कहूँगा कि हमारे देश के जो जवान हैं, हमारे देश के जो बहादुर सिपाही हैं, उनके लिए ये जो फंक्शन किया गया है, इससे हमारे देश का मान बढ़ता है, स्वाभिमान बढ़ता है और देश के हर एक जो हमारे लोग हैं उनको ये पता लगता है कि देश का जवान जो बॉर्डर पे अपनी जान देता है वो उनकी रक्षा के लिए देता है। मैं एक लाइन से कल्मिनेट करता हूँ, देश के लाडलों का लहू गंगा जल से भी पाक है, काम आए तो है काम की वरना ये जिंदगी खाक है। देखो कैसे स्वाभिमान से लिपटे हुए हैं तिरंगे में ये बदन, मेरे महबूब मेरे वतन तुझ पे कुर्बान हो जाए। इसके साथ ही मैं ये कहूँगा कि आप लोग भी आज इस कार्यक्रम आए, इस कार्यक्रम में आपने कवर किया, आपको लगा होगा कि जितने भी हमारे सोल्जर्स कारगिल के युद्ध में या 71 वॉर में या 65 वॉर में या 62 वॉर में या आज जो आतंकवाद के लिए लड़ रहे हैं, वो किस तरह अपनी जान पर खेल कर हम सबको यहाँ सुरक्षित रखते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जैसे आप सभी ने देखा है कि आज का दिन ये कारगिल विजय दिवस करके मनाया जाता है। 1999 में उन ऊंचाई पे पहाड़ियों पे जो पाकिस्तानी छुपे थे, जो पाकिस्तानियों ने हिंदुस्तान के साथ एक युद्ध छेड़ा था, उस युद्ध को विराम देने का आज का दिन है। जो युद्ध भारतीय सेना ने जीता था वो दिन आज कारगिल विजय दिवस करके मनाया जाता है। पूरे देश में ये बात मान ली गई है कि 1999 में अगर भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अगर निर्णय नहीं लिया होता तो आज कारगिल के माध्यम से पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण कर सकता था। और ये आक्रमण रोकने के लिए हिंदुस्तानी सेना ने, भारतीय सेना ने जो आक्रमण को रोकने का काम किया, आक्रमण के बदले में पाकिस्तान की जितनी फौजें अंदर आई थी उस ऊंचाई का अगर विचार करो तो 4000 मीटर की ऊंचाई पर जाते हुए लड़ना और लड़ते हुए अपने जवानों के शहीद होने के पश्चात भी हिंदुस्तान को विजय दिलाना, ये कारगिल विजय दिवस का आज पूरे हिंदुस्तान में हर भारतीय ने गौरवान्वित होने जैसा ये आज का दिन है। मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान सेना के वो जाबाज सिपाही जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, उनको याद करना आज एक हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य बनता है। तो आज की देश की पीढ़ी, युवा पीढ़ी, उनको आज एक नया कारगिल विजय दिवस मनाने का मौका मिलता है जिसमें अपने सेना के जवानों की शहादत, सेना के जवानों की जाबाज कहानियाँ अगर वो सुनेंगे और पहचानेंगे कि हिंदुस्तान एक इतिहास पूर्ण रूप से बनाया गया है और इस हिंदुस्तान की जो जाबाज सेनानियों की कहानी है, उस कहानी का जो ये कारगिल विजय दिवस है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आज जितने हमारे जाबाज सिपाही, हमारे जाबाज सेना के नायक इस कारगिल युद्ध में
जिन्होंने शहादत पद करी, जिनकी शहादत हुई, जो शहीद हुए, उन सबको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिवार के साथ आज हर हिंदुस्तानी खड़ा है और हम इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे कि ऐसा आक्रमण पुनः एक बार अगर पाकिस्तान करता है तो पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने के लिए हिंदुस्तान की सेना और हिंदुस्तान के नागरिक आगे आने के लिए तत्पर रहेंगे। इसे आज के दिन मैं मानता हूँ कि कारगिल विजय दिवस हर हिंदुस्तानी के हृदय में बसा है और हर हिंदुस्तानी के मन में अपने फौजियों के लिए वही भावना है जो जब कारगिल हुआ था, और कारगिल के लिए लड़ने के लिए सभी ने जो एक हौसला रखा था, उसी हौसले के साथ आज का कारगिल विजय दिवस मनाने का प्रयत्न अथर्व ने किया। आज इधर अथर्व कॉलेज में मैं इधर खड़ी हूँ और आई एम वेरी फीलिंग वेरी डिफरेंट, बहुत अलग लग रहा है, क्योंकि मेरे दाए और बाए दोनों बाजू जो है खड़े, उन्होंने एक्चुअली वॉर खेली है, तो आई एम मदरली पर्सन फॉर देम ऑल्सो, सो आई विश देम ऑल द बेस्ट। सबको बहुत धन्यवाद देती हूँ। वो है इसलिए हम हैं, वो नहीं होते तो भारत नहीं रहता। आज अथर्व कॉलेज ने बहुत ही अच्छा किया कि इन लोगों को आपके साथ मिलवाया, स्टूडेंट्स के साथ मिलवाया। मुझे लगता है हर कॉलेज हर स्कूल शुड डू दिस, क्योंकि भारत के लिए, हमको अच्छा भारत का फ्यूचर होने के लिए इनके जैसे ही ब्रेव विथ डिवोशन हु आर वर्किंग फॉर द एम फॉर द बेटरमेंट ऑफ कंट्री एंड बेटरमेंट ऑफ पीपल, ऐसे ही लोग चाहिए। सबको धन्यवाद देती हूँ अथर्व कॉलेज के जिन्होंने ये किया है, और इनको भी धन्यवाद देती हूँ जो वहाँ से आपको मिलने के लिए आए हैं। धन्यवाद सर। आपका कहना चाहिए? मैं कर्नल बिश्नोई, प्रेजेंटली एडवोकेट मुंबई हाईकोर्ट। ये बहुत अच्छा मौका था आज अथर्व फाउंडेशन की तरफ से कारगिल के जो हमारे शहीद हैं उनको याद करने का, कारगिल दिवस के मौके पर, और यहाँ का माहौल देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये देश के लिए, हमारी यंग जनरेशन के लिए ये बहुत गर्व की बात है, और हमें इस लेगेसी को आगे कंटिन्यू करना चाहिए, और मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।